याद करो अपना 10th बर्थडे और अब याद करो अपना 18th बर्थडे। हम सब टाइम के साथ बड़े होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो चलो आज इस वीडियो से हम इसको समझते हैं कि हम बड़े कैसे होते हैं और हमारी बॉडी में अंदर क्या होता है जिस वजह से हमारी एजिंग होती है। सबसे पहले एजिंग किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज हम एजिंग से रिलेटेड 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टीलोमेयर। तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारे क्रोमोसोम के एंड्स पे टीलोमेयर होता है जिसको हम टीलोमेरिक डीएनए भी बोलते हैं और ये टीलोमेयर हमें हमारी सेल डिवीजन के लिए चाहिए होता है। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारी बॉडी के कई सेल्स खराब हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी सेल डिवीजन के थ्रू नए सेल्स बनाती है और ये नए सेल्स पुराने खराब वाले सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं और हमारी बॉडी की उस चोट को ठीक कर देते हैं। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टीलोमेयर सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। तो होता क्या है, जब भी एक बार सेल डिवाइड करता है तो इस टीलोमेयर की लेंथ छोटी होती रहती है और 40 से 60 डिवीजन्स के बाद इस टीलोमेयर की लेंथ इतनी छोटी हो जाती है कि सेल अब डिवाइड ही नहीं कर पाता। तो अगर हमारी बॉडी का कोई सेल खराब हो गया तो उसकी बजाय नई सेल्स नहीं बन पाएंगे और नए सेल उस खराब सेल को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से एजिंग होती है। एक सेकेंड रुको दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद तो आ रही है पर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो चलो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अब हम बात करेंगे एजिंग के दूसरे फैक्टर की। रिसर्च में ऐसा पता लगा है कि ज़्यादा कैलोरीज खाने से एजिंग जल्दी होती है। बेसिकली 40 ईयर्स के बाद अगर हम ज़्यादा कैलोरीज खाएं तो हम जल्दी एज करेंगे और ओल्ड एज की बीमारियां जैसे कि हर्ट की प्रॉब्लम्स वो आप में जल्दी हो जाएंगी अगर आप 40 ईयर्स के बाद ज़्यादा कैलोरीज खाते हो तो। अब हम बात करते हैं एजिंग के थर्ड फैक्टर की, यानी कि फ्री रेडिकल्स की। तो होता क्या है कि जब भी हमारी सेल्स में कोई रिएक्शन होती है तो उससे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। जितना ज़्यादा ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू को डैमेज करेंगे उतनी जल्दी हमारी एजिंग होगी। अब इन फ्री रेडिकल से बचने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये हम अपने खाने से लेते हैं, जैसे विटामिन सी हम फ्रूट से लेते हैं। तो जब हमारी बॉडी में इनका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि अगर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बढ़ गई और एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए तो उससे भी एजिंग की प्रोसेस तेज हो जाती है। और चौथा फैक्टर है एथीरोस्क्लेरोसिस। तो एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स में फैट की डिपोजिशन हो जाती है तो हम उसको एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करते हैं और अलग अलग ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, तो एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से नॉर्मल से कम आरबीसी पास कर पाते हैं क्योंकि फैट की डिपोजिशन हो रखी है। तो इस वजह से हमारे ऑर्गन्स के पास कम ऑक्सीजन पहुंचती है और इस वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। और अगर हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारी एजिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। अगर आप मोटे हो या आपको डायबिटीज़ है या आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या आप स्मोकिंग करते हो या हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको एथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये था वीडियो का पार्ट वन जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी एजिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इस वीडियो के पार्ट टू में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या इंप्लीमेंट करें जिससे हमारी एजिंग की प्रोसेस धीरे हो जाए और हम ज़्यादा लंबा जी पाएँ।